हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन एट योर होम। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर टुडे। आज का जो हमारा लेसन है वो सेवंथ ही है, पॉलिटिकल साइंस का। लेसन का नाम है नगर प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करते हुए आगे बढ़ना है। आज वर्तमान में भारत का, आज के समय में भारत में सबसे सुंदर शहर कौन सा माना जाता है, जो सफाई भी रखता हो और स्वच्छ भी हो, अच्छी क्लीनिंग के साथ, जिस शहर का नाम आता हो, कौन सा है? चंडीगढ़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ के बाद दूसरा स्थान या दूसरा शहर, आप यहां पर शहर कीजिए, दूसरे स्थान पर कौन सा शहर आता है जो सफाई के मामले में अग्रणी है? पहले नंबर पर हमने बताया चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा शहर साफ और सुंदर माना जाता है? सूरत। ठीक है, पहले नंबर पर चंडीगढ़, दूसरे में सूरत। हरियाणा के किन शहरों में नगर निगम स्थापित है? बहुत से नगरों में है, बहुत से शहरों में है, लेकिन यहां पर दो का नाम दिया गया है, कौन कौन सा? गुड़गावा और फरीदाबाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि सूरत में प्लेग रोग कब फैला था? आपने लेसन को रीड किया था, उसमें आया था कि 1994 में सूरत में भयंकर बीमारी फैली थी जिसका नाम था प्लेग। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 1994 में प्लेग कहां फैला था, आप लिख सकते हो सूरत, और ऐसे आ जाएगी सूरत में प्लेग रोग कब फैला था, तो 1994। अगर आप क्वेश्चन को समझ के याद करते हैं तो वो आपके माइंड में काफी देर तक रहेंगे, आप उनको घुमा फिरा कर किसी भी वे से क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, जिसने ध्यान से किया सोच समझ कर वो आंसर भी दे पाएगा। इसलिए आप हटिए नहीं, क्वेश्चनों को लर्न कीजिए। सन 1994 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कि नगर निगम को धन कहां से प्राप्त होता है? जो नगर निगम इतने खर्चे करती है, कहीं सफाई का प्रबंध करना, कहीं रोड लाइट्स का प्रबंध करना, कहीं स्कूलों का निर्माण करना, कहीं स्वच्छता का, पेयजल का, तो ये इसके लिए उसके पास पैसा कहां से आता है? चूंकि कर से, व्यवसायिक कर से, संपत्ति कर से, भूमि कर से, दुकान और व्यापार कर आदि से। उसके पास इन विभिन्न साधनों के जरिए जो धन इकट्ठा होता है, ये लोगों से ही आता है और लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जाता है। ठीक है, ये जितने भी कर होते हैं ये सरकार इसीलिए लगाती है कि ना सरकार पर वजन पड़े और ना एक विशेष किसी पार्टिकुलर संस्था पर, सभी लोगों को उसमें अगर हम सुविधा ही लेते हैं तो सभी लोगों को हक है कि उन सुविधाओं के बदले में भुगतान करें। ठीक है, आज के हमारे ये 28 से लेके 32 तक क्वेश्चंस हो गए, और कल मैंने फिलअप्स भी कराए थे। इसके नीचे इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के बाद आपने फिलअप्स करने हैं, आपके इस पेज पे हैं। देखिए मैं बताती हूँ, आप यहां से इनको फिल कर लीजिए। पेज नंबर आपका यहीं से बिल्कुल निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। आपकी हेडलाइंस दे रखी है, किसी की बुक में 51 है, पेज के हिसाब से अलग अलग होंगे। आप बस एक पूरे कंप्लीट लेसन में एक ही जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन फिल इन द ब्लैंक्स को आप यहां से भरना है। पंचायत के चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच। क्या कहते हैं? पहले में क्या भरोगे आप? पंच। ठीक है, यहां पर मैं लिख रही हूं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहले में आप भरेंगे पंच, दूसरे में भरेंगे शहर को विभिन्न किसमें बांटा जाता है? वार्डों में। ठीक है, अभी हमारे यहां चुनाव होने वाले हैं,
नगर निगम के लिए चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद या मेयर या वार्ड मेंबर। उसके बाद पार्षद के समूह उन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं जो शहर को प्रभावित करते हैं। किन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं? जो लोगों को प्रभावित करते हैं। जो शहरों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद नगर पालिका और पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक है। उसके बाद छठा आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर पार्षद निर्णय लेते हैं तो दफ्तर के जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उन निर्णयों को लागू करवाते हैं, लागू करवाते हैं। आपको ये सब अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और याद करना है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।